लगातार आपको इलेक्शन अपडेट हम दे रहे हैं, उसी अपडेट के तहत मुख्य रूप से अभी मैं आपको बता दूं कि जो अपडेट आया है नाथद्वारा विधानसभा में 7 राउंड पूरे हो चुके हैं। यहां पर विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी को 28,649 वोट मिले हैं, भाजपा के प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ को 32,326 वोट मिले हैं। और यहां पर भी आपको बता दें कि लगातार भाजपा के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। इसी तरह कुंभलगढ़ विधानसभा में 10वां राउंड जो आया है उसमें आपको बता दें कि लगातार जो रुझान है उसमें भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राठौड़ बढ़त बनाए हुए हैं, जिन्हें 34,157 वोट मिले हैं। इसी तरह योगेंद्र सिंह परमार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें 18,231 वोट मिले हैं। इस तरह लगातार आपको बता दें कि यहां पर भी बढ़त बनी हुई है। भीम विधानसभा में 11वें राउंड के परिणाम आ चुके हैं, यहां पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत को 28,827 वोट मिले हैं, भाजपा के प्रत्याशी हरि सिंह रावत को 50,309 वोट मिले हैं। यहां पर भी करीब 20,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त है। और इसी तरह लगातार आपको बढ़त के परिणाम आपको बताते रहेंगे। और इसी तरह जो अलग अलग कार्यकर्ता आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी हम बातचीत कर रहे हैं कि उनका क्या किस तरह से वो किस नजरिए से देखते हैं। अभी हमारे साथ में आमेठ नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष हैं और उनसे जानते हैं कि अब तक का रुझान आप कैसे देखते हैं कुंभलगढ़ विधानसभा में, आप लगातार जो देख रहे हो परिणाम आपके सामने है ही है। और जिस तरह भ्रष्टाचार से राजस्थान पूरा त्रस्त था तो जनता ने बटन दबाकर उसका जवाब दिया है और हमारे लिए खुशी की बात है, राजस्थान से चारों सीट हम जीत रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार बन रही तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आज हम कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है कि जो हमने परिणाम सोचा था उसी अनुरूप हमको परिणाम मिल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। एक मुख्य रूप से पहले जो देखा गया था कि कुंभलगढ़ विधानसभा का जो परिणाम है, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से नए प्रत्याशी थे, बीजेपी के दिग्गज नेता थे, लेकिन कहीं कहीं वो जो मनमुटाव था उसको नहीं, ऐसा कोई मनमुटाव नहीं था। पार्टी का सब एक झूठ का काम किया है, उसका परिणाम सब सामने आ रहा है। 11 राउंड के अंदर हम मतलब 18,000+ के लीड ले चुके हैं, तो ऐसा कोई विषय था ही नहीं। और माननीय राठौड़ साहब के नेतृत्व में पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उनका अच्छा नेतृत्व है, उसका परिणाम है कि हम इतने अच्छे वोटों से आगे चल रहे हैं। नाथद्वारा विधानसभा में, राजसमंद विधानसभा में और भीम विधानसभा में, तीनों विधानसभाओं में भी भाजपा को बढ़त है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सीपी साहब नाथद्वारा में विकास पुरुष जरूर रहे हैं, लेकिन उनका विकास केवल नाथद्वारा तक सीमित था। उसका परिणाम है आज कि वो आज नाथद्वारा में खुद के विकास के बावजूद भी आज वहाँ हार रहे हैं, क्योंकि उनका विकास संकुचित विकास था, भाजपा का विकास था, सभी सीटों पर उनको ध्यान था। आज हम 14 सीटों में हार रहे हैं तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सबसे बड़ी बात भीम के अंदर, मैं वही बात कर रहा हूँ, भीम और नाथद्वारा विधानसभा जहाँ पर मुख्य रूप से कांग्रेस के विधायक मौजूदा हैं और उन्होंने वास्तव में जो विकास कार्य करवाए हैं वो हुए हैं, विकास तो हुआ है लेकिन वोट बदल नहीं पाए, ये क्या कारण? देखो, विकास के साथ उनके साथ में जुड़ चुका है भ्रष्टाचार, तो सबसे बड़ा मुद्दा इन दो जिलों में, दो विधानसभा में रहा था भ्रष्टाचार मुद्दा, जो वो जनरली सामने, जनता सामने आ चुका था, उसी का परिणाम है कि आज लोगों ने थंपिंग वोटिंग की है कमल को और उसी के जनता के दम पर हम आप जीत रहे हैं आज। तो जैसे प्रदेश का आंकड़ा भी अगर देख रहे हैं तो उसमें भी भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है, तो अब तक के रुझान के अनुसार यही है कि भाजपा की सरकार बन रही है? बिल्कुल बन रही है। और जिस तरह राजस्थान के अंदर कांग्रेस के सरकार के अंतर्गत जहाँ एमएलए थे, जहाँ जो भ्रष्टाचार हुए, जनता उस चीज़ को जान चुकी थी कि इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आज महिला उत्पीड़न में नंबर 1, हर चीज़ में, हर भ्रष्टाचार के अंदर ये राजस्थान सरकार नंबर 1 रही है, तो उसी का परिणाम है वो जनता तक, जनता ने कमल का वोट दबाकर आज सरकार बनने जा रही है, ये हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही खुशी की बात है। मेवाड़ की हॉट सीट मानी जाती है उदयपुर शहर, जहाँ पर दिग्गज नेता गुलाब चंद जी कटारिया लगातार वहाँ पर विधायक रहे, लेकिन वो सीट कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है, कांग्रेस की बढ़त उस सीट पर दिख रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, अभी रुझान काफ़ी कम आए हैं, शायद 12-15 राउंड के रुझान ही आ पाए हैं, तो आप देखिएगा जरूर परिणाम पॉजिटिव आएंगे वहाँ पर भी, और हम मेवाड़ के अंदर ऐतिहासिक जीत की ओर हम आकर्षित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से आपने देखा कि किस तरह से राजसमंद जिले के साथ ही पूरे प्रदेश में भाजपा को बढ़त बनी हुई है और उस बढ़त के तहत अब तक के रुझान के अनुसार ये स्थिति लग रही है कि राजस्थान में फिर भाजपा की सरकार बनेगी, कि राजस्थान की जो जनता ने जो परंपरा बना रखी है कि एक बार कांग्रेस और दूसरी बार बीजेपी, मतलब ये जो रिवाज था, रिवाज बदलने की जो बातें की जा रही थी इस चुनाव में, वह कहीं ना कहीं इस मतगणना के साथ स्पष्ट हो गई है कि जनता का जो रिवाज है वह बदलने वाला नहीं है। हम प्रयास करेंगे इसी तरह लगातार अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल,
राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।